ओके, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 72। देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 72 के अंदर एक रॉड पी क्यू, एक रॉड गिवन है आपको, कौन सी, पी से लेके क्यू तक आप इसे रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया, पर हमने हमेशा जो रोटेशन का एक्सिस लिया वो ना ये लिया हमेशा। इस बार वो कह रहे हैं एक्सिस कहाँ लो, यहाँ नहीं लो ना, यहाँ लो, एक्सिस दूर लो, इसके अबाउट रॉड रोटेट कर रही है, ठीक। तो फर्क हो गया, देखो फॉर्मूले में फर्क पड़ गया कैसे। तो अब इसमें हेयर एक्सिस इज, मैंने लिखा हुआ है एक्सिस इज ओ, राइट। और इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होगा, बी कैसे है, बोर्ड के अंदर है, और रॉड कैसे जा रही है, बी कहाँ पर है, बोर्ड के बाहर है, सॉरी, जो बी है वो बोर्ड के बाहर है, रॉड कैसे जा रही है ऊपर, तो करंट कैसे जाएगा इस तरफ, तो इंड्यूस करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। डायरेक्शन बन गई माइनस और प्लस की फ्लेमिंग के रूल से। आगे एक्सिस ओ है, अब मुझे पता है कि पी पॉइंट और ओ पॉइंट में दूरी एल है, क्यू और ओ में दूरी टू एल है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो ऑलरेडी हमें आता है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर भी रॉड है, एक मिनट के लिए, एक मिनट, यहाँ रॉड है, मुझे पता है कि नहीं है, तो अगर यहाँ पर रॉड है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जैसे हम बोलते हैं, तो सबसे पहले क्यू और ओ एक लंबी रॉड अगर होती तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, वी क्यू माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा इंटू टू एल का स्क्वायर हो जाता, राइट। फॉर्मूला वही लगेगा, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर वाला। और अगर यहाँ रॉड होती तो वी पी माइनस वी ओ क्या बन जाता, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एक बार टू एल एक बार एल। पर हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड ई एम एफ डेवलप्ड अक्रॉस पी एंड क्यू। तो आपने रेफरेंस पॉइंट ओ को मानते हुए दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस किया और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रेफरेंस पॉइंट कॉर्नर पे होगा तो पहले फर्स्ट और एंड और फर्स्ट कॉर्नर, जैसे इसमें जो है क्यू और ओ लिया, फिर पी और ओ लिया और फिर माइनस, यही टेक्निक है इसकी सॉल्व करने की, और इंपॉर्टेंट टेक्निक है। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये डायग्राम इस क्वेश्चन का नहीं है वैसे बता दूं, गलती से क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम यहाँ पेस्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये देखना है आपने। अब सेम क्वेश्चन है, इस बार रॉड को घुमाना है, इस बार देखो एक्सिस क्या है, ओ, यहाँ की वजह से यहाँ बना दिया आप एक्सिस। तो अब पी और क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है इसमें, एल है, और इसमें हम रोटेशन कर रहे हैं और बी अभी भी बाहर है, तो अगर ओ एक्सिस है तो इस केस में आपने क्या करना है कि एक बार पॉइंट पी और ओ लेना है, एक बार क्यू और ओ लेना है, वही सेम स्टाइल है, एक बार पी और ओ, एक बार क्यू और ओ। पी और ओ में लेंथ कितनी है, एल, क्यू और ओ में पाइथागोरस लगेगी तो रूट टू एल, राइट, रूट टू एल। तो आपने इसमें क्या करना है, एक बार पी और ओ लेना है और वी पी माइनस वी ओ में रॉड वाला फॉर्मूला लगाना है लेंथ एल के साथ, एक बार क्यू और ओ लेना है और लेंथ क्या लेनी है, रूट टू एल। तो इन्हें अगर आप फिर माइनस करेंगे तो आपके पास अपने आप वी क्यू माइनस वी पी की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट केस में एक स्क्वायर लूप है, राइट, एक स्क्वायर लूप है और ए बी सी डी एक स्क्वायर लूप है और लेंथ एल है इसकी। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एक्स माइनस के कैप, माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर, और बी नॉट एक्स का मतलब फील्ड बढ़ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, बी की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, राइट, बी बढ़ रहा है। एग्जिस्ट इन अ स्पेस द चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई व्हेन लूप इज रोटेटेड थ्रू 180, यहां से पलट के इसको ऐसे कर दिया तो कह रहे चेंज इन फ्लक्स कितना है। तो सबसे पहले हेयर एक्सिस इज सी डी, ऑब्वियसली सी डी को मानते हुए यहाँ से यहाँ पलटा है तो ये वाला पॉइंट इसका क्या बन गया, एक्सिस बन गया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि एक्स डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट है कितना, डी एक्स, तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू इनिशियल एरिया और इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो। वो क्यों, जैसे मान लो एक मिनट के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर है, मान लिया कि इस लूप का एरिया अंदर है, लेकिन जब आप इसे पलट देंगे तो एरिया कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 180 का फर्क डालना है ना,
एक बार अंदर एक बार बाहर। तो पहले इनिशियल केस में मैंने जीरो ले लिया, तो इस केस में प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सीधा माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बी इज चेंजिंग और बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले मुझे काम करना पड़ेगा, पहले इनिशियल फ्लक्स बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो, फ्लक्स थ्रू इनिशियल पोजिशन, पहले इनिशियल फ्लक्स निकालने के लिए बी इंटू एरिया की जगह एल इंटू डी एक्स, क्यों, क्योंकि इस पोर्शन में जो इसका पोर्शन था वहां पर बी चेंज हो रहा है। तो मैंने एक स्मॉल पोर्शन लिया डी एक्स जिसकी लेंथ तो एल है, तो एरिया क्या बनेगा इस स्ट्रिप का, एल इंटू डी एक्स, ठीक। तो बी इंटू एरिया स्मॉल एरिया जीरो से एल तक करेंगे इंटीग्रेट, तो आपके पास ये इनिशियल फ्लक्स आएगा, राइट। अब दूसरे केस में क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा पलटने के बाद, 180, एरिया वेक्टर और बी में एंगल तो 180 बनेगा बनेगा, रूल वही रहेगा, लेकिन अब लिमिट क्या लगेगी एल से लेके 2L, क्योंकि पहले जो अगर डायग्राम देखा जाए तो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में 0 से लेके एल तक लिमिट थी, हम बी यहां से यहां ले रहे थे, अब हमने बी कहां से लेना है, एल से लेके 2L तक, बढ़िया क्वेश्चन है, एल से लेके 2L तक, तो 180 भी चेंज हुआ और एल से लेके 2L की लिमिट भी चेंज हुई। तो यहां से जब आप इस वैल्यूज को पुट करेंगे, ये लो, तो माइनस भी लगा एल से 2L भी लगा, तो ये फाइनल फ्लक्स आ गया। तो इसमें आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बड़े में से छोटा जो भी माइनस करना आप कर लें, मॉड लगा लेना, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्पेशली नॉन मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल में मुश्किल है पर नॉन मेडिकल में तो ईजी है। एक्स एक्सिस में बी इंटू एक्स है ना, माइनस कहेगा तो डायरेक्शन बता रहा है तो अंदर की तरफ, यहाँ पर 10 टेस्ला, यहाँ 12 टेस्ला, यहाँ 13, यहाँ 14, हाँ ऐसे इंक्रीज हो रहा है। सही आएगा, अच्छा आंसर गलत है तो ठीक कर लेना, कोई बात नहीं, बट पॉइंट समझ में आया कि करना कैसे है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और मेडिकल में ज़्यादा ये हो सकता है कि वो ऐसा हो सकता है इसमें एक लूप दे देगा, बस इनिशियल फ्लक्स ही निकाल दो इंटीग्रेट करके, ठीक। वैसे चांस कम है मेडिकल में, पर फिर भी नॉन मेडिकल में तो यार पूरा चांस है इसका, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही। देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन है कि दी एनुलर मेटालिक डिस्क, तो एनुलर मेटालिक डिस्क क्या होती है, एनुलर का मतलब बीच में खाली, ठीक, खाली, तो मतलब यहाँ पर मटेरियल है, यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है। तो इस केस में इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, घूम रही है ये, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन इनर एंड आउटर एज, तो इनर और आउटर एज के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। तो अब इस केस में जब ये हमने किया था कि अगर डिस्क घूमती है तो अंदर और बाहर के बीच में वही रॉड वाला फॉर्मूला लगता है, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर लगता है, तो एनुलर डिस्क के अंदर भी सेम लगेगा, वह रूल वही रहेगा कि आपने इसमें पी और क्यू के बीच में निकालना है, तो एक बार क्यू और ओ के, मान लो एक मिनट के लिए यहाँ भी डिस्क होती है अगर, तो पहले वी ऑफ पी माइनस वी ऑफ ओ निकलेगा, रेडियस इसका बी है, फिर वी क्यू माइनस वी ओ निकलेगा, रेडियस इसका ए है, और फिर दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो वी पी माइनस वी क्यू आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज करो ये जो है, दिस इज माइनस डी और दिस इज प्लस डी, और स्ट्रेट लाइन पी क्यू एक रॉड है, और एक्स इज इक्वल टू माइनस डी पर रखा इस रॉड को, और एक्स इज इक्वल टू प्लस डी पर हम इसे लेके आए, माइनस डी से प्लस डी मूव करवा रहे हैं। सो और वो कह रहे हैं एस एच एम में मूव कर रही है, हम क्या मूव करवा रहे हैं, वो खुद ही एस एच एम में मूव कर रही है माइनस डी और डी के बीच में। SHM का मतलब होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर रॉड की वेलोसिटी जीरो, और यहां पर मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो, राइट। तो मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो है, उसने बताया ये,
एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म फील्ड बी फ्रॉम माइनस डी टू जीरो, तो इस रीजन में फील्ड वो कह रहा है बोर्ड के अंदर है, इस रीजन में फील्ड बाहर है. ठीक, रॉड मूव कर रही है, आधे रीजन में फील्ड अंदर है, आधे रीजन में फील्ड बाहर है. देयर एग्जिस्ट अनदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, वो बता दिया अंदर बाहर, इंड्यूस ईएमएफ वी क्यू माइनस वी पी, ये वी ऑफ क्यू माइनस वी पी, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वर्सेस टाइम का ग्राफ इसमें क्या बनेगा. ठीक, तो आपको इंड्यूस ईएमएफ बतानी है इसमें क्या बनेगी, इसमें बी भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. ठीक है, यहाँ तक तो इसका लॉजिक ये है कि जो मीन पोजीशन है, मैंने क्या बताया था, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है. तो इस केस में अगर ईएमएफ वेलोसिटी मैक्सिमम है तो बीएलवी से ईएमएफ भी मैक्सिमम है, क्योंकि बीएलवी का फॉर्मूला लगेगा तो ईएमएफ इसमें क्या होगी, मैक्सिमम. तो उस केस में सी एंड डी ऑप्शंस अगर ग्राफ में चेक करो, ईएमएफ मैक्सिमम आनी चाहिए. और हमारा ग्राफ यहाँ पे क्या था, पिछले पेज पे बनाया हुआ है मैंने, ये ना, तो ईएमएफ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम. अब देखो इसमें ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि मीन पोजीशन मीन्स व्हाट, नहीं इसमें तो ईएमएफ और टाइम का ही बना हुआ है ना, बस रॉड चली कहां से चेक करना क्वेश्चन में. कॉर्नर से चली है तो सही है, सही है, सही है, कॉर्नर से चली है रॉड x इक्वल टू माइनस डी से, तो वहां कॉर्नर पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो. तो ईएमएफ उस इंस्टेंट पे क्या होगी, जीरो. तो आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, या ये बनेगा या यहां से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन रूल आउट हो गए, मैक्स से स्टार्ट नहीं होगा ना. ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से होगी क्योंकि आपने कॉर्नर से स्टार्ट किया. फिर उसके बाद क्या हुआ, ईएमएफ बढ़ गई, ईएमएफ बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई, और फिर अगले इंस्टेंट पे ईएमएफ फिर से कम हो गई. तो जीरो ईएमएफ, जीरो ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, जीरो. और डायरेक्शन भी चेंज करेगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया था. तो इस तरीके से इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है, मतलब वो तो ऑप्शन देख के ही है. अब एक बार क्वेश्चन, एक मिनट जो देख लूं मैं एक बार पूरी तरीके से, ऑप्शन दरअसल बाहर है ना. हाँ नहीं, एक मिनट, मुझे साइनोसाइडल लग रहा था कि डाउट होगा, साइनोसाइडल हो नहीं सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि साइनोसाइडल होने के लिए साइन का वो चाहिए. तो एस एच एम की क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, पर मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है, राइट. तो इसमें वैसे भी एकदम जब डायरेक्शन चेंज होती है तो ई एम एफ एकदम वो क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है उसका, कॉन्टिन्यूस नहीं होती. हाँ सी होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज होता है, राइट. क्यों, क्योंकि ई एम एफ की वैल्यू एकदम बड़ी, एकदम उसने डायरेक्शन चेंज की तो क्वाड्रेंट नीचे से स्टार्ट हुआ. तो ऑप्शन करेक्ट करना इसमें प्लीज, डी नहीं है इसका आंसर, सी बनेगा, राइट. क्योंकि नॉर्मली साइनोसाइडल तब बनता है जब एक जनरेटर की तरह लूप घूमता है कॉन्टिन्यूस इस तरीके से. तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एकदम फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ का क्वाड्रेंट एकदम चेंज करना पड़ेगा अपने को. तो इसका प्लीज करेक्ट कर लेना इसे. और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये तो इंस्टेंट पे है किसी भी, ये तो वैसे समझा रहा है डायग्राम. नीचे से स्टार्ट होता, फिर नीचे से क्वाड्रेंट चेंज होता. ये हमने क्लास में किया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन गिवन है. तो हमने कहा था कि सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट में किया था हमने, ये सिलेंडर के अंदर जो जो बी होता है वो लीनियर होता है और बाहर आके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है. ये किसकी, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन थी, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन थी ये. तो बुकलेट के अंदर पांचवी या फोर्थ एप्लीकेशन है मेरे बुकलेट के अंदर इसके, एम्पियर सर्किट लॉ की. तो बी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, सो ये इसका स्टैंडर्ड ग्राफ है. नेक्स्ट जो है, अच्छा मैंने किया भी इसके अंदर प्रूफ, चलो वो अलग बात है, नहीं किया नहीं मैंने, सेवन्थ क्वेश्चन का ये. इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ स्पेस, एक सिलेंड्रिकल रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन विद मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग नेगेटिव जेड डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन पे अलॉन्ग है, एक सिलेंडर है. फील्ड इज गिवन बाय माइनस, माइनस के का मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, और बी नॉट टी का मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग.
इन नेगेटिव दैट डायरेक्शन. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज इज इक्वल टू वॉट. देखो बड़े सिंपल सी चीज़ है, जब मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन हो ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, और वो क्वेश्चन एक स्टैटिक चार्ज पे पूछे, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तभी वो स्टैटिक चार्ज मूव करेगा. तो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हो, चेंज करते हो, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थी कि वो कंजर्वेटिव नहीं होता, और वो स्पेशल मैंने बुकलेट के अंदर एक पेज लिख के दिया हुआ है, राइट. तो इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लो इस तरफ इंक्रीज हो रही है, मान लो एक मिनट के लिए, वो तो कोई फर्क नहीं है, माइनस किया के में कोई चक्कर नहीं, बी बढ़ रहा है, इसका रेडियस ए है, एक चार्ज पार्टिकल आर पे पड़े बाहर पड़े, तो मुझे यहाँ क्या निकालना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक ही रूल था, ड्रॉ अ सर्कल, एक क्लोज पाथ बनाना होता था, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज पाथ पर निकलता है. तो आपने यहाँ क्लोज पाथ बनाओगे तो ई इंटू टू पाई आर आएगा, ई इंटू टू पाई आर क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई डॉट डी एल करके. और ई एम आई में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फ्लक्स डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी में जो आप एरिया लेंगे वो क्या लेंगे, जो एरिया लेना है वो उस पोर्शन का लेना है जहाँ फील्ड चेंज हो रहा है. अब फील्ड इस जगह में चेंज तो हो नहीं रहा बाहर आए, तो फील्ड तो सिर्फ सेंटर के अंदर ही चेंज हो रहा है, तो एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई ए स्क्वायर, और इनटू डीवी बाय डीटी. ये स्टेप समझ में आया, इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपने सर्कमफेरेंस पूरा लेना इंड्यूस्ड में, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने आर रेडियस में निकालना है, लेकिन एरिया आपने वो लेना है जहाँ फील्ड प्रेजेंट है. बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम लगाते थे, हम क्लोज बॉडी में वो पोर्शन लिया करते थे जहाँ चार्ज प्रेजेंट है, पाई ए स्क्वायर. और इस केस में बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में बी नॉट टी गिवन है, बी नॉट कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी टी वन, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. और चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ रखा जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या है, क्यू ई, ई की जगह पुट कर दो आंसर, तो क्यू ई की का फॉर्मूला लगा के इन फोर्स निकल सकती है. एक्शन कर लेना अगर ऑप्शन नहीं है इसकी, तो यही आंसर है इसका. देखो जो एट क्वेश्चन है उसमें क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिलेंड्रिकल रीजन, एक सिलेंडर है ये ना, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिलेंडर इज गिवन बाय डॉट 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 ऐसे, ठीक है, बोर्ड के अंदर है. और बी किसके इक्वल है, अल्फा इंटू टी के इक्वल है, ओ बोर्ड के बाहर आ रहा है, सॉरी बोर्ड के बाहर आ रहा है, और बी क्या है, अल्फा इंटू टी, टाइम के साथ बी इंक्रीज हो रहा है. सो ईएमएफ एक रॉड है, पी और क्यू के बीच में ईएमएफ निकालनी है. देखो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो और वो ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले पी और क्यू के बीच में, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही सॉल्व कर पाएगी. तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये आर है, ये आर है, तो ये रूट टू आर है, ये रूट टू आर है, तो इसकी दूरी सेंटर से रूट टू आर, और इसकी भी रूट टू आर.
आपने इमेजिन करना है इसको ज्वाइन करते हुए कि इमेजिन करो एक सर्कल है, एक सर्कल क्यों, क्योंकि ईएमएफ जहां इंड्यूस निकलेगी वहां क्लोज्ड पाथ चाहिए। अब क्लोज्ड पाथ आप कहां निकालना चाहते हो, यहां से लेके यहां तक, तो एक क्लोज्ड पाथ ऐसे मैंने पूरा नहीं बनाया पर आप इमेजिन करो किस तरीके से चल रहा होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से निकलेगी, वो मान लो इस तरफ टेंजेंशियल है कुछ भी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए स्टार्ट जो आपको करना पड़ेगा यहाँ से करना पड़ेगा पी और क्यू में। पी और क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पी एंड क्यू, फॉर्मूला वही लगेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो मैंने वो डॉट 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 सर्कल बनाया उसका रेडियस था रूट टू आर, रूट टू आर, तो टू पाई इंटू रूट टू आर, तो ई इंटू टू पाई इंटू रूट टू आर, ई इंटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एरिया, एरिया क्या लेते हैं, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और फील्ड कहाँ प्रेजेंट है, पाई आर स्क्वायर में, सेंट्रिकल रीजन में फील्ड प्रेजेंट है, और इनटू डीवी बाय डीटी। तो यहां से बी का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अल्फा टी गिवन है, अल्फा कांस्टेंट है, डीटी बाय डीटी वन, सॉल्व करके क्या आ गया, ई आ गया, ई आ गया, ई का मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में क्या होता है, डीवी बाय डीएल, तो डीवी इज इक्वल टू ई डीएल, ठीक, और ई हमें पता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएल, और नेक्स्ट स्टेप में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो कांस्टेंट बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आएगी। अब ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी, आपने ये देखना है कि ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे, 90 एंगल बना रहा है, 90 का मतलब ये कोऑर्डिनेट बनेगा, तो जितना भी इसका सर्कमफ्रेंस होगा इतना सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट 90 डिग्री का मतलब ये कोऑर्डिनेट है, तो टोटल जो भी सर्कमफ्रेंस होगा डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बोलते हैं। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है और एक नए स्टाइल का क्वेश्चन है जिसमें कि आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो पी और क्यू का, ठीक। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये टेक्निक 8th और 9th देखो दोनों में सेम ही टेक्निक है, अब उसने क्या किया, फिगर चेंज कर दी, सारा कुछ सेम है, इस बार उसने रॉड लंबी ले ली, सब कुछ सेम है, एंगल कितना बन गया इसका 120 ले लिया, तो फिर वही बात, ये आर है, ये 2R है, क्वेश्चन में गिवन है, ये सॉरी रूट 3R है, तो ये 2R हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करेंगे इमेजिनरी सर्कल, सेम क्वेश्चन है, आपको फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पी और क्यू का, फिर आप इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे जहाँ इंड्यूस ईएमएफ निकलेगी, तो इसका रेडियस क्या होगा, कितना होगा, 2R होगा। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन के अंदर आप पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का वही तरीका है सेम, बस फर्क क्या होगा इसमें, ये देखो यहाँ पर पहले ये देखते हैं, ई इंटू टू पाई इंटू टू आर, और मैग्नेटिक फील्ड पाई आर स्क्वायर में प्रेजेंट है, इंटू डीवी बाई डीटी, इस बार बी का फॉर्मूला अल्फा टी की जगह ए प्लस बी टी कुछ भी दे दिया, डिफ्रेंशिएट किया ये आ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। पहला स्टेप तो हर केस में सेम ही रहना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अभी मैंने क्या क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो आपने अब इसमें जो वैल्यू लेनी है सर्कमफ्रेंस, याद है वो डीवी बाय डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जब की थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में ये लेंथ आएगी, ये वाली, ये लेंथ कितनी होगी, टोटल एंगल कितना बना 120, अब टोटल होता है 360, 120 कौन सा हिस्सा हुआ, 1/3, तो टोटल जो भी सर्कमफ्रेंस है डिवाइडेड बाय 1/3, बस बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ से आपके पास ईएमएफ आ जाएगी, ईएमएफ से करंट आ जाएगा, फिर तो जो जो करंट निकालना है करंट निकालना होगा, इसने एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर दिया इसने, कहाँ पे ये वाला, वो तो ज्योमेट्री से आएगा ना, 60 डिग्री है ना, तो ये एक्स मान ले, तो यहाँ पे साइन 60 टेन 60 जो मर्जी लगा ले, दो रेशो के बने एक रेशो निकालनी है। मुश्किल है ये क्वेश्चन आना, ये एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है वैसे मेंस, और उसमें मुश्किल है इतना बड़ा क्वेश्चन आना, मेडिकल में तो बिल्कुल ही मुश्किल है इस क्वेश्चन का आना, बट फिर भी अगर छोटा क्वेश्चन इंड्यूस ईएमएफ मेडिकल में आता है तो एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए। वैसे ये दोनों क्वेश्चन मुश्किल हैं, नॉन मेडिकल वालों को फिर भी आ सकते हैं क्योंकि छोटा करके आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, बट ट्रिक समझ में आया क्या लगेगा, ट्रिक दोनों का सेम है। देखो ये भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ अ चार्ज क्यू, एक रिंग है चार्ज क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग चेंजेस बाय डीवी बाय डीटी, एक रिंग पड़ी हुई है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज करना शुरू कर दिया,
टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दी रिंग इज वॉट. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, रिंग के ऊपर चार्ज है, फील्ड आपने चेंज कर दिया. जब आपने फील्ड चेंज किया तो उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज है तो फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई और फोर्स से टॉर्क जनरेट हो गया. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ताकि हम फोर्स निकाल सकें. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, सीधा यहीं से देखेंगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर राइट इज इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, और इनटू डीवी बाय डीटी. तो ये आपके पास क्या आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे, अगर ये रिंग है और मैंने बी यहाँ चेंज किया तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ निकाल रहा हूँ इन अ रेडियस ऑफ आर, तभी तो सर्कमफ्रेंस के अंदर भी 2 पाई आर है और एरिया भी मैंने कितना लिया पाई आर स्क्वायर, दोनों में एग्जैक्टली स्मॉल आर यूज हो रहा है राइट. अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होता है, इसके साथ टेंजेंशियल है तो टेंजेंशियल फोर्स कितनी लगेगी, क्यू चार्ज है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फोर्स आ गई. टॉर्क क्या होता है, आर इनटू एफ, तो आर इनटू एफ से टॉर्क की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. मतलब पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, फिर फोर्स आएगी, फोर्स से टॉर्क आएगा. ये तीन स्टेजेस हैं टॉर्क निकालने के. पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ईआई निकल गया. जैसे एक रिंग है, टेबल पड़ी हुई है, ईआई निकल गया टेंजेंशियल, इसके ऊपर चार्ज पड़ा था तो टोटल फोर्स आ गई क्यू इंटू ई. फोर टेंजेंशियल है, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता जाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह. फोर्स ऐसे टेंजेंशियल लगेगी जब, तो ये घूम घूम के ऊपर, तो जितना भी अगर ऊपर आया, जस्ट इमेजिनेशन है, तो एक्चुअल में तो क्या ही आएगा, बट अगर ऐसे ही बाहर आ गया तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा. तो टॉर्क जनरेट किए ठीक, तो इस तरीके से टॉर्क कैन बी जनरेटेड. नॉन मेडिकल टाइप एग्जामिनेशन में आ सकता है मुझे लगता है. ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट भी अगेन मैं फिर कहूँगा नॉन मेडिकल के लिए, ये मेडिकल के लिए शायद नहीं है ये, पर अब क्वेश्चन है तो देख ही लो, दो मिनट का काम है अभी. ये वो कह रहे हैं दीवार है, दीवार में फ्रिक्शन है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी है और बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, के की वैल्यू इसमें वन है. यूनिफॉर्म फील्ड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो है म्यू फ्रिक्शन है. सो वर्टिकल वॉल स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं, इसमें फ्रिक्शन है ठीक. मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, टाइम आफ्टर विच रिंग स्टार्ट्स मोशन, बस बी चेंज करना है आपने इसका, रिंग ने घूमना स्टार्ट कर देना है. तो कब करेगी ये बताओ. तो सबसे पहली चीज, सारी गेम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की है, क्योंकि चार्ज है इसके ऊपर क्यू, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, क्यू इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स डेवलप होगी, उस वो फोर्स इसे घुमा देगी. पॉइंट समझ में आया यहाँ तक. तो सबसे पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें रिंग के सर्फेस पे. यहाँ इमेजिन करो क्लोज पाथ है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया कितना रिंग के अंदर का, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी. वही सेम स्टाइल है. यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. तो यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई, और बी का फॉर्मूला इसमें अल्फा टी गिवन ही था, के टी गिवन था रादर, तो सॉल्व करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू इसमें बन है ठीक है. अब डायग्राम कुछ ऐसे हो गया कि एक रिंग पड़ी हुई है, नॉर्मल रिएक्शन है. अब नॉर्मल रिएक्शन रिंग मान लो वो इस तरीके से मूव करती है, मान लो अगर ऐसे मूव करने की कोशिश करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ करेगी, इस तरफ करेगी, और रिंग को मूव करवाएगा कौन, टॉर्क जनरेट होगा. रिंग घूमने का मतलब टॉर्क जनरेशन है. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, और टॉर्क क्योंकि एज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट्स ऑन द रिंग, तो एक टॉर्क डेवलप इसमें हो जाएगा. तो टॉर्क होगा क्या, आर इंटू एफ. एफ क्या होगा, क्यू इंटू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया, पुट करो टॉर्क आ गया, पिछला क्वेश्चन सेम, टॉर्क तक सेम है. अब ये टॉर्क आ गया, रिंग स्टार्ट मोशन व्हेन, कब, जब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क है, क्योंकि एक टॉर्क फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगाएगी. कैसे, देखो ये जो टॉर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से है, जो चाहती है कि रिंग ऐसे घूमे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज घूमे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ डेवलप हुई, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर है तो ये कैसे टॉर्क जनरेट करवाती है, क्लॉकवाइज. और अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क
क्लॉकवाइज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टॉर्क के इक्वल या उससे बड़ा हो जाता है तो रिंग घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा टॉर्क तो आ गया, फ्रिक्शन का टॉर्क कितने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर, और अगर ये दोनों वैल्यूज कम से कम इक्वल हो जाती हैं तो टाइम आ जाएगा जब ये रिंग घूमना स्टार्ट हो जाएगी। मुश्किल क्वेश्चन है ये, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, तो फिर भी अब मुझे पता नहीं क्या तोड़ के आएगा, मैं कह नहीं सकता, बट मुझे इतना पता है कि जितने क्वेश्चन 3-4 अभी हमने किए उसी को मिक्स कर करके, अब देखो ध्यान से ये सब एडवांस के क्वेश्चंस हैं, तो उसको मिक्स कर करके आप चेक करो, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अलग अलग तरीके से पूछता जा रहा है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन ये वाला रिंग है, रिंग पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्यू इंटू ऐसे लगाएगी फोर्स, टॉर्क क्या जनरेट होगा, इतना आ गया। ये चाहती है कि रिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी, वो चाहती है कि क्लॉकवाइज घूमे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्कवाइज क्लॉक इक्वल हो जाता है तो एटलीस्ट आप इमेजिन कर सकते हो वो घूम सकती है। नहीं फिर अगर बड़ा कर दो, ग्रेटर देन कर दो इसे, ग्रेटर देन इक्वल, मिनिमम का केस है ना, मिनिमम टाइम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे, मिनिमम के टाइम में इक्वल टू करोगे तो टाइम आ जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज लाइंग इन अ सिलेंड्रिकल रीजन, मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो बोर्ड के अंदर है और चार्ज इसके अंदर यहाँ पड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय बी एंड पी इज अ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, पी पॉइंट पड़ा हुआ है, जहाँ पी पॉइंट पे मास एम है और चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, फाइंड स्पीड ऑफ द चार्ज इफ मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ, एकदम बंद कर दिया तो फील्ड एकदम चेंज हुआ, तो वो कह रहा है कि इस केस में क्या निकालो, ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, क्यों करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फिर निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन किया एक सर्कल जहां ई निकालना है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इंटू 2πr, अब इतना ही एरिया लेना है बस आपने क्लोज्ड पाथ का, πr² इंटू dv/dt, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगी, क्यूई, क्यू इंटू ई पुट किया तो ये मेरे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। इसमें डी बी एक तरफ और डी टी वाली टर्म्स एक तरफ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या था, बी, अब कितना हो गया, जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड बी था और टी टाइम पे जीरो हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे फोर्स इंटू टाइम, ये पता है क्या होती है, इम्पल्स। तो यहाँ से आपके पास इम्पल्स होता क्या, चेंज इन मोमेंटम, तो पहले वो रेस्ट पे था, अब मोमेंटम कितना हो गया, एम वी, तो एम वी से mv माइनस जीरो टोटल चेंज इन मोमेंटम, v निकाल लेना यहाँ से, वेलोसिटी पूछी, वेलोसिटी आ गई सॉल्व करके। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना, जो भी b पूछा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं पूछी इसमें क्या, अच्छा v आएगा यहाँ, करेक्शन है यार, v पूछा है, v आएगा। चलो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक,